अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेन स्टेज चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा पेट वालों की फ्रंट कैसे कटती है कोट की। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि बैक कैसे कटती है पेट वालों की, तो बहुत से लोगों की कमेंट आई थी कि सर आप फ्रंट भी बताइए, तो आज मैं फ्रंट की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आपने बैक की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप बैक लेके इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एक अपना एक स्क्वायर से सीधी लाइन खींच लेंगे, थोड़ा सा यहाँ एक इंच का लगभग दबाव रखने के लिए। एक इंच हमको अगर पेट निकालना पड़े तो वो दबाव हमको मिल जाए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दबाव छोड़ते हुए हम सीधी इसको बिल्कुल ये सीधी लाइन एक खींच लेते हैं। दोस्तों नाप मेरी थी, बैग जब हमने बताया था तो बैग की नाप थी मेरी, लेंथ थी 30 इंच और शोल्डर था 18.5 और मेरी चेस्ट था 42, पेट था 46 और हिप थी 43। तो दोस्तों ये नाप है मेरी। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचने के बाद इसको अच्छा से बिल्कुल स्क्वायर में रख के, अगर स्क्वायर में नहीं आ रहे तो आप इसको हल्का सा ऐसे या ऐसे कर सकते हैं, हमको स्क्वायर में रख के बिल्कुल देख लेना है कहाँ पे स्क्वायर में है। ये इस तरह से मिला लेना है सभी लाइन को। दोस्तों आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये पेट वाला आदमी की फ्रंट है। नॉर्मली होती तो मैं एक बार कहता था कि आप थोड़ा स्किप करके भी देख सकते थे, लेकिन अगर इसमें स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों ये खींचने के बाद हम क्या करेंगे, ये लाइनिंग फेन आप लेंगे चेस्ट पे, 4.5 पे एक निशान ये लगा लेंगे, 3.5 पे एक निशान ये लगाएंगे और 3 इंच पे निशान ये लगाएंगे। अब हम नाप लेंगे कि मेरी क्रॉस बैक तैयार कितनी आएगी, ये आएगी 8.5। तो 8.5 इस लाइन पे निशान पे रख के, ये चेस्ट है मेरा दोस्तों 42 है, तो 21 × 42 होता है, तो थोड़ा सा दबाव हाफ इंच दबाव यानी 21.5 पे ये मार्क लगा लेंगे। अब पेट पे नाप लेंगे कि बैक कितनी तैयार आएगी, पेट पे आएगी 7.25, तो 7.25 को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और पेट है मेरा 46, तो 23 × 46 हाफ इंच दबाओ, 23.5 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अब ये बैग आएगी मेरे हिप पे तैयार आएगी 7.75। अब 7.75 पे ये मार्क लग के, 7.75 पे मार्क लग के और 43 है, हिप है मेरी 43, तो 21 × 42 43 हुआ और हाफ इंच बढ़ा के 22 इंच भी है। अब दोस्तों हम साइड का निशान खींच लेंगे। दोस्तों अभी तो हम ये निशान पे नहीं शेप करेंगे, इससे 1 इंच पीछे शेप करेंगे, जितना पेट हमको निकालना है वो यहाँ से हम निकालेंगे, इसलिए इस निशान से 1 इंच पीछे आके हम हल्का सा ये इस तरह से, क्योंकि पेट वालों को यहाँ पे होता है गड्ढा, हल्का सा गड्ढा करते हुए बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा ये इसको ऐसे मिला लिए। अब यहाँ पे इसको रख के ये पूरा हम नीचे तक लिए। दोस्तों यहाँ से जो भी हम अंदर लिया है उसको हम यहाँ से कवर करेंगे। अभी आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको काट देते हैं। अब बैक रख के दोस्तों इस तरह से, दोस्तों हमको पेट वालों में क्या करना पड़ता है कि बैक उठाना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। नॉर्मली तो इसी लाइन पे हम, छोटा अगर साइज होता तो इसी लाइन पे मिला के अगर रख देते तो भी मेरा काम हो जाता, लेकिन अगर हम इस बैग नहीं उठाएंगे तो पीछे से बैग मेरी लटकने लगेगी, तो 1/2 इंच हम इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करके बैग थोड़ा सा उठाएंगे, इस तरह से मालिक लगाएंगे, यहाँ से भी ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी इस तरह से लगा लेंगे।
और यहाँ पे भी इस तरह से और चाक का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब स्क्वायर रख के सभी को मिला लेंगे, सभी निशान को। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में पहुंच सके। तो इस तरह से मैंने ये खींच लिया। दोस्तों ये याद रहे कि बैग हमको उठाना है, अगर बैग नहीं उठाएंगे तो पेट वालों की बैग पीछे से लटक जाएगी, इस वजह से हमको इस बैग थोड़ा उठा के रखना है। क्या करेंगे दोस्तों, 42 है तो 5 इंच हम इसका ठीक रखेंगे, 5 इंच पे ये निशान लगा लिया। उसके बाद इस तरह से दोस्तों, अब पेट वाला इंसान है तो हम यहाँ से तो ऐसे हाफ इंच उठाते थे, आज मैं उठाऊंगा पौन इंच। पौन इंच बहुत ज़्यादा पेट है तो एक इंच तक उठा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पेट से अभी यहाँ से पौन इंच ऊपर एक निशान लगा दूंगा ये, नहीं तो नॉर्मली हाफ इंच उठाता हूँ, पेट वाला ही इसमें थोड़ा सा और इसको मैंने बढ़ा लिया। अब यहाँ से 2.25 इंच पे ये मार्क लगाया, यहाँ से दोस्तों 2.25 इंच पे ये, अब इसको भी ऐसे मिला लूँगा। अब यहाँ से हल्का सा इसको ये गोलाई इसी पे। अब दोस्तों चेस्ट है 42 तो इसका चौथाई हुआ 10.5। तो दोस्तों मैं 10.5 इस पर नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ से पेट निकालूँगा तो ये नाप थोड़ा बढ़ जाएगी, तो मैं अभी 10.25 पे, 10.5 नहीं रखूँगा मैं, 10.25 पे ये मालिक लगा पाऊँ कम लगाऊँगा, क्योंकि अभी पेट जब मेरा निकलेगा तो ये 10.5 आ जाएगा। तो 10.25 पे ये निशान लगाया दोस्तों, 10.25 पे। अब इसको ऐसे मिला दिया। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, अब मैं शोल्डर नाप लूँगा इसकी, कंधी कितनी आएगी तैयार, बैग की तैयार आएगी 6.25, तो उससे 2 सूट ज़्यादा, सॉरी बैग की कंधी फ्रंट से 2 सूट ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें हल्का सा नम दी जाती है ताकि बैग साफ रहे, तो इस ये बैग से ये थोड़ा 2 सूट कम होगी, तो 6.25 है तो हम ये लगाएंगे, दबाव प्लस जाएगा भी ये, और इसको इस तरह से हल्का सा इसी जगह पे ऐसे मिला देंगे। अब दोस्तों इसकी गुलाई अच्छे से पहले ऐसे ही आप लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह से धीरे धीरे आप निशान लगा लीजिए पहले, उसके बाद आप फाइनल निशान लगा दीजिए। बहुत से लोग इसका निशान के लिए स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो अगर आपको स्केल से ठीक सम पड़े तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों हमको यहाँ पे डार्ट रखना है 1.25 पे, लगभग यहाँ से रहती है इस निशान से एक डार्ट, ये मतलब डार्ट ये हो गई, ये और इसके बीच पे ये। दोस्तों अब हम इसकी लेंथ नापते हैं, लेंथ 30 इंच है तो ये दबाव चला गया मेरा, ये 30 इंच। दोस्तों हम इसको कम से कम 0.25 इंच बढ़ाएंगे, फ्रंट 0.25 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्यूजिंग जब होती है तो थोड़ा सा फ्रंट कम होता है लेंथ, तो हम इसको 0.25 इंच बढ़ाएंगे 0.25 इंच पे, यानी 0.31 पे ये निशान लगाने के बाद ऐसे इस निशान से स्केल रख के इसको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 2.25 इंच पे ये मालिक लगा लिया। अब यहाँ से लेंथ थोड़ा ज़्यादा है तो नॉर्मली तो 9.5 पे लगता है, लेकिन 10 इंच पे ये पॉकेट का निशान हम लगा लेंगे। अब इसको ऐसे करके ये काज का निशान होगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, वालियट का निशान यहाँ से 2 इंच पे ये निशान लगाया, 6 इंच का वालियट, 4 इंच का वालियट होता है तो 4 पे ये और 2 इंच पे ये, इसको भी इस तरह से हल्का सा क्रॉस करके लगभग 1 इंच 1 इंच 1 सूट 1.25 इंच का वालियट रहता है, ये साइज पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया मेरा वालियट। अब दोस्तों जो वालियट का सेंटर लिया था आपने, यहाँ से इसको नाप लेंगे 6 इंच आया, तो 6 इंच पे ये निशान लगाने के बाद आप इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे,
इस तरह से आप सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों पॉकेट इसका रख दीजिए 6.5 इंच, अब दोस्तों अब हम नाप थोड़ा मिला लेते हैं, चेस्ट की नाप मिला लेते हैं। ये तैयार आएगा दोस्तों, मेरा क्रॉस बैक आएगा तैयार 8.25, तो 8.25 ये रखा और ये तार में दब जाएगा 13, ये ओके दोस्तों। चेस्ट मेरा है 42, तो 21 या 3 इंच लूजिंग रहती है, तो 21, 22, 23, 24 थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा है तो कार्ड थोड़ा सा हम और दबा देंगे तो ये 3 इंच चेस्ट की लूजिंग आ जाएगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा जहाँ से पहले इसको हम यहाँ से 2 सूत आगे करके इसके इसके बीच से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इस निशान पे रख के इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों चेस्ट पे थोड़ा सा मेरा 2 सूत ज़्यादा था तो हम इसको यहाँ पास से 2 सूत इसमें डाट और दाब देंगे इस तरह से, तो मेरा 3 इंच लूजिंग आ जाएगी चेस्ट पे। अब यहाँ से 1/2 इंच नीचे करके दोस्तों ये एक निशान लगा लिया। अब दोस्तों जो 1/2 इंच यहाँ से हमने डाउन किया है तो 1/2 इंच भी यहाँ से भी हमको डाउन करना पड़ेगा ताकि ये जब नीचे हो तो इसके लेवल में आ जाए। इस तरह से ये इसको ये दबेगा तो ये लेवल में आ जाएगा। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, चेस्ट की नाप तो हमने मिला ली है, 3 इंच लूजिंग आ गई है, अब हम पेट पे पेट की नाप भी मिला लेते हैं, देख लेते हैं इसमें मेरा पेट कितना तैयार आ रहा है। बैग में आ रहा है पेट तैयार 7.25 लगभग, 7.25 पेट तैयार आ रहा है और 7.25 हिप तैयार आ रहा है, तो 7.25 यहाँ पर रखेंगे हम, ये सिलाई हो जाएगी मेरी, ये दाढ़ दब जाएगी ये और यहाँ पास भी 2 सूत दाढ़ जब दब जाएगी ये। अब दोस्तों ये देखिए 23 आया, हमको 2 इंच लूज करना है पेट, तो 46 पेट था मेरा, तो 23 × 46 और प्लस 2 इंच 25 इंच पे ये मार्क लगा है, पर 2 इंच पेट पे लूजिंग होगी दोस्तों। अब हिप की भी हिप पे क्या था, हिप तैयार आएगी मेरी 7.25, तो 7.25 हम ये रखेंगे यहाँ पे दबाव जाएगा ये आया, तो दोस्तों ये देखिए हिप है मेरी 43, यहाँ भी 2 इंच लूजिंग हम रखेंगे, 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको अभी हम इससे कवर कर लेंगे दोस्तों। पेट पे 2 इंच लूजिंग, हिप पे 2 इंच लूजिंग, इस पे 3 इंच लूजिंग दोस्तों रखेंगे। अब दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था इसको इस तरह से रख लगाएंगे जी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बटन का निशान हम लगा लेंगे 5 इंच पे, ये अब हम इसको यहाँ से गुलाई कर देंगे, दामन को हल्का सा राउंड करेंगे ये इस तरह से, ये अच्छे से गुलाई दे देंगे। अब दोस्तों अब हम यहाँ से रख के इसको मिलाएंगे, तो दोस्तों हमने जैसे बताया था ये चीज़ हमने कम रखा था, लेकिन अब जो है मैं लाइन खींच देता हूँ तो बताता हूँ, ये देखिए लगभग 2 सूत मेरा ये बढ़ गया, हमने इसको कम रखा था लेकिन पेट निकाला था उनको ये बढ़ गया है, तो इस वजह से आपको पहले ही ये ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ आपको कम रखना है 1/2 इंच 1/4 से। हम बटन का निशान इस तरह से लगा लेते हैं दोस्तों, 7 इंच पर ये निशान लगाते हैं। अब ये बटन के निशान से इसको ऐसे मिला देते हैं, अब हम 2.5 इंच जितनी भी आपको नकेल रखना हो, 2.75 इंच जितनी भी रखना हो निशान लगा के इस तरह से नकेल रख लेंगे दोस्तों। अब इसको ऐसे काट देंगे क्योंकि ये मारिक का मतलब नहीं है, अब मेरी मारिक ये होगी, ये पेट हमने फ्रंट से निकाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेट होता है तो हमको फ्रंट से भी निकालना पड़ता है और यहाँ से भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारा 46.9 के 1, 2, 3, 47, 48 होता तो हमको यहाँ से भी थोड़ा सा लेना पड़ता, क्योंकि हम फ्रंट से भी पूरा पेट नहीं निकाल सकते और ना ही साइड से निकाल सकते, दोनों जगह से हमको थोड़ा थोड़ा पेट निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गई मेरी अभी कोट की, मोटे कोट की कटिंग,
काफ़ी है, हम निशान लगा लेते हैं क्योंकि कटिंग करेंगे तो हमको ध्यान रहे। दोस्तों मैं कटिंग करके नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इस चाक का निशान लगा के हमने आपको बता दिया, मैं कटिंग नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पे शो होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।